श्रोताओं नमस्कार, मैं निशा नैयर एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। कार्यक्रम है कोरोना से जंग जनता के संग। श्रोताओं, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज तक लगातार प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति और उससे संबंधित सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करते आ रहे हैं, इसी कड़ी में हम आज एक बार फिर आपको यही कहना चाहेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में कोरोना से हमारी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण दौर में पहुंच चुकी है। प्रवासी श्रमिकों के आगमन के साथ हर दिन हमारे प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसीलिए इस समय हम सभी को और सतर्क सजग होने की आवश्यकता है और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन करें और दूसरों को इसके लिए जागरूक करें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन बचाव के समुचित उपाय करने होंगे। उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। इन सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने से ही इस संक्रमण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी रायपुर के समाचार प्रमुख विकल्प शुक्ला ने बात की प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश भर में इन प्रवासी श्रमिकों को रुकवाने के लिए उनके वापस लौटने के बाद 16,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर में जो 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि है उसमें हमारे मजदूर भाइयों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि अभी हमने देखने में आया है कि प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद अचानक कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या में भी एक उछाल आया है, तो ये जो मजदूर भाई बहन आ रहे हैं वो क्वारंटाइन नियमों का पालन करें, इसके लिए भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं सभी भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि एक संकट की घड़ी है और जो लोग आ रहे हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई बंद हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसकी देखभाल करें, उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार न करें जो उसके दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि बहुत दूर से वो चल के आए हैं और अपने ही गांव में रह रहे हैं, तो उनके साथ सद्व्यवहार हो, लेकिन जो हमारी जो गाइडलाइन है उसकी कड़ाई से पालन भी हो, उनकी देखरेख भी करें और नियमों का कड़ाई से पालन भी करें ताकि ये कोरोना संक्रमित न हो। और जो प्रवासी हमारे जो मजदूर भाई बहन दूसरे प्रदेश से आए हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि ये संकट के समय में थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें। आप अपने गांव पहुंच गए, हजारों किलोमीटर से चल के आए हैं, अब थोड़े दिनों की बात है, जब महीनों आपने संकट झेला है तो गांव भी हैं, गांव के लोग मिल भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं जी। और थोड़े दिन ये तकलीफ और उठा लें फिर तो आप अपने घर में रहेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार से दूसरे प्रदेश से हमारे श्रमिक भाई आए हैं तो ये कोरोना के जो पॉजिटिव केस है उसकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो हमको जांच भी कराना है और उसकी देखभाल भी करने है। अभी तक के छत्तीसगढ़ में कोरोना को हम लोग समेट के रखे हैं, उसे ज्यादा बढ़ने नहीं दिए हैं, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव लेके आए हैं उनके साथ भी हम लोग को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और साथ ही उनके इलाज की व्यवस्था भी हमको करनी है, तो हम सबका दायित्व है। मैं समझता हूं कि पहले प्रथम चरण में हम लोगों पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने, चाहे हमारे अधिकारी हों, कर्मचारी हों, किसी विभाग के हों, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सब लोगों ने, शहर के लोग हों चाहे गांव के लोगों ने, तो और बहुत अच्छा किया, सब लोगों ने मिलकर किया है। तो द्वितीय चरण में जो अब जो संकट आया है, अचानक जो मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही, इसे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम प्रथम चरण में भी बहुत अच्छा काम करके दिखाए हैं तो द्वितीय चरण में भी अच्छा काम करेंगे। 15 महीने दिन की बात है, इसको यदि हम ठीक ढंग से निभा ले गए तो मैं समझता हूं कोरोना को हम लोग परास्त कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि इस समय पूरी प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, तो हम चाहते हैं कि एक संदेश आप दें, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा, आपने भी बताया हमें कि जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या में एकदम से एक इजाफा शुरू हो गया, कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत भी घर कर रही है, तो ये पैनिक ना हो, दहशत ना हो। साथ ही ये भी देखने में आया कि जब लॉकडाउन में थोड़ी सी शिथिलता दी गई
कुछ नियमों में छूट दी गई, तो अचानक बाजार में और सब जगह लोग जो है उमड़ भी रहे हैं, भीड़ एकदम से बढ़ रही है, तो लोग सावधानी भी बरतें। तो हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के मुखिया के नाते आप लोगों को सावधानी के बारे में बताएं और ये भी समझाएं कि ये दहशत पैदा होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। कोरोना का कोई इलाज अभी तक के नहीं मिला है जी। उसके वैक्सीन नहीं बन पाया है, ये टेबलेट नहीं बन पाया है, इसके कारण से थोड़ा सा भय है। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जिसका सामना हम लोग ना कर सके, इसलिए इसे भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है, केवल बचाव करने का आवश्यकता है। आप मास्क पहने, आपके नाक में मुंह में ये वायरस न जा सके, हाथ किसी से न मिलाएं, हाथ बराबर धोते रहें, जब घर आते हैं तो आप चप्पल जूता बाहर ही रखें और पैर धो के ही घर के अंदर प्रवेश करें, ताकि आपके जूते चप्पल के साथ भी ना घर में प्रवेश करें। तो केवल बचाव हमको करना है और इस काम को हम लोग तो छत्तीसगढ़ में करते ही रहे हैं, तो इसको हमको अपने जीवन में ही अनिवार्य अंग बना लेना है। जब बाजार जाएं तो जहां भीड़ है वहां न जाएं, यदि उस दुकान से कोई सामान लेना है तो जब भीड़ छटने का थोड़ा सा इंतजार कर लें। तो ये बचाव में ही हमारी सुरक्षा है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अभी तक छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, आप सबके सहयोग से ही हम रोकने में सफल हुए हैं, आगे भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। डरने या घबराने जैसे कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम लोग डरें, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है जब तक कि वैक्सीन और इलाज इसका टेबलेट न मिल जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी है। श्री कौशिक ने कहा कि यदि समय पर ठोस उपाय नहीं किए गए तो राज्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पंचायत को कोई आज तक कोई साधन नहीं दी गई है, कोई सुविधा नहीं दी गई है, कोई आर्थिक रूप से उनको योगदान नहीं दी गई है। सरकार को आपदा राहत कोष से या किसी भी कोष से उनको राशि दी जानी चाहिए ताकि वहाँ की व्यवस्था को सुधारा जा सके। एक तो जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं के तत्काल उनकी परीक्षण होनी चाहिए और रेपिड किट से उनकी परीक्षण तत्काल होकर के उनका रिजल्ट आ जाए। जो संक्रमित पाए जाते हैं उसकी छटनी होनी चाहिए और उसके इलाज की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। श्रोताओं, जहां एक तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, वहीं हमारे प्रदेश में कोरोना विजेताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। और इसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य विभाग का आभारी होना चाहिए, जिनके अथक परिश्रम से कोरोना विजेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुर्ग जिले के कुछ ऐसे ही विजेताओं से बात की हमारे संवाददाता अभय जवादे ने। नितेश कुमार साहू ना, मैं स्टील प्राइवेट लिमिटेड में ड्यूटी करता था वहाँ पे। फिर घर आने के बाद यहाँ चेकअप हुआ तो चेकअप में पॉजिटिव बताया, लेकिन अपने को अपने शरीर में ऐसा कोई लक्षण अपने को दिखाई नहीं कि अपने को कुछ हुआ है जी। अब यहाँ पे चेकअप हुआ, फिर एम्स में लेके गए, वहाँ पे रखे 2-4 दिन, अब वहाँ पे फिर वहाँ से लाए तो अभी यहाँ क्वारंटाइन में रख दिए। तो बीमारी का आपको जब पता चला तो एम्स में गए, तो वहाँ का इलाज आपको एम्स का कैसा लगा? वहाँ पे बस वो चेकअप करते थे सर, और वो दिन में 1-2 बार दवाई देते थे, बस 1-2 बस खा के फिर तो ना फिर आते थे, चेकअप करते थे, सब ठीक दिखाता था, ब्लड टेम्परेचर वगैरह। वहाँ के डॉक्टरों का नर्स का व्यवहार कैसा था आपके प्रति? सब ठीक, व्यवहार सभी का अच्छे थे। आप कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? सर सभी सेफ्टी से रहे अपने, वही है सर, मास्क लगा के रखिए सब ना, सेफ्टी अच्छे से रखे, डिस्टेंस बना के रखे दूसरे से। मैं राजेश कुमार साहू ग्राम मटेवा का रहने वाला हूँ जी। काम करने के लिए हैदराबाद गया था तेलंगाना जी। वहाँ से फिर लॉकडाउन होने के कारण मैं घर वापस जी, ऐसे करते करते मतलब दुर्ग पहुँचा जी। दुर्ग पहुँचने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए गया, फिर वहाँ से चेकअप होने के बाद सेक्टर 3 लाया गया जी क्वारंटाइन में, फिर सेक्टर 3 से एम्स में ले गया, फिर वहाँ से इलाज के बाद सेक्टर 4 लाया गया क्वारंटाइन में। इसमें डॉक्टरों का व्यवहार, नर्सों का व्यवहार, इलाज के बारे में बताएं। डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा जी, हर चीज अच्छा था वहाँ जी। इस बीमारी के संबंध में लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, आम जनता को, नागरिकों को आप कहना चाहते हैं? जो नियम है उसका पालन करना जरूरी है, मतलब जो नियम बताया गया है
नियम का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए हम लोगों को। नाम मेरा प्रशीत मनोज बोरकर है, मैं महाराष्ट्र बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया है। वहाँ गोंदिया से 13 किलोमीटर पर मेरा गांव है गात्रा, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं जॉब करता हूँ ग्रुप में, तो लॉकडाउन के चलते मैं 1 महीना मतलब घर पे था, उसके बाद आया हूँ मैं आज ग्रुप में। उसके 1-2 दिन बाद ऑफिस जाना था मेरे को 1 तारीख को, तो सर ने सब स्टाफ बोले बाहर से आ गए एक बार चेकअप कर लो जी। तो ऑफिस हॉस्पिटल चला गया ग्रुप हॉस्पिटल जी। उसके बाद हम क्वारंटाइन में रखे थे, फिर रिपोर्ट आई हमारी पॉजिटिव निकली, तो टेंशन नहीं लिया उतना। मेरे को फिर एम्स हॉस्पिटल ले गए, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे टाइम पे पूरा चेकअप रहा, वहाँ पे टाइम पे चेकअप होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे डॉक्टर भी फ्रेंकली थे, पूरे फ्री जो आपको लगता है बोले डायरेक्ट बोले, कुछ नहीं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी। इस बीमारी के लिए आप आम जनों को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? वही है कि प्रिकॉशन रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, और ज्यादा करके ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बाहरी व्यक्ति है उनसे ज्यादा ही टच में मत रहे। बाहर से आए हो जहाँ से रेड एरिया से कहीं कोई भी आया, तो उनमें थोड़ा दूरी बनाए रखे, डिस्टेंस रखना जरूरी है जी जी। और ये यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि जिसको कोरोना हुआ तो भेदभाव करे, भेदभाव करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सपोर्ट करो, उनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है जी। मेरे से खुद ऐसा हुआ है कि जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरी बहुत सी अफवाह उड़ाई गई, कोई उतनी नहीं है, बड़ी बीमारी नहीं है उतनी, जी अपन लड़ नहीं सकते, लड़ सकते अपन, खुद पे विश्वास रखना जरूरी है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम नीरज हुआ जी। सर हम यहाँ पे भैया के यहाँ रहते हैं, दुर्ग में मेरा घर हुआ जी। सर जब हम मुंबई से आए थे तो मतलब पता नहीं चल रहा था कि कोरोना है भी, तो कोई सिम्टम नहीं लग रहा था, और उसके बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट आया हम लोग को, तो उसमें रिपोर्ट में शायद बता दिया था कि पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे एम्स में ले गए, रायपुर एम्स में, और वहाँ पे वहाँ का सर बढ़िया है, मतलब डॉक्टर हमेशा समय समय पे आते हैं, चेकअप वेकअप करते हैं जी। और सब ठीक है सर जी सर, और अभी भी कोई अति नहीं लग रहा है जी। अभी तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में हम लोग अभी। आपका कोई अनुभव? यही है कि सर हम वहाँ से ठीक होके आ गए, अब रिपोर्ट में आया है कि निगेटिव है। श्रोताओं, लॉकडाउन के दौरान फिलहाल तो काफी रियायतें केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा दी जा रही हैं, जिससे बाजार में एक बार फिर चहल पहल बढ़ गई है और व्यापार और व्यवसाय दोनों ही धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारे राजनांदगांव जिले के मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जीमी कांदा बेचकर आय का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बन गया है। ये भी उल्लेखनीय है कि इस महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जीमी कांदा का ये व्यापार ऑनलाइन बुकिंग की शैली पर होम डिलीवरी के साथ किया गया है। आकाशवाणी समाचार को बता रही हैं संयोजक मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह पद्मश्री फुलबासन यादव। राजनांदगांव जिला में मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति के तत्वाधान में हम एक जिमीकंद रोपण के कार्यक्रम शुरुआत करें, और बहुत ही ज्यादा हमारा फायदा मिले है। राजनांदगांव जिला में 300 गाँव के स्वयं सहायता समूह के बहनी मन, 10,000 समूह के बहनी मन, 300 गांव में जम्मो बहनी मन हमार काम कर रहे थे, और वो जिमीकंद ला 0 बजट में बिना कम पैसा में ही हम शुरुआत कर रहे हैं। और देखते ही देखते जहाँ खुला जगह है, जहाँ बंजर जमीन है, जहाँ कुछ हो नहीं, घुरुआ है, खेत की मेड़ है, भर्री है, ओमन में लगान, और देखते देखते हमन राजनांदगांव जिला में लगभग 3 से 4 करोड़ रूपये तक हमार बहनी मन आमदनी पैस। जिमीकंद एक ऐसा सब्जी हरे जे अवस्थाओं में जिमीकंद के नाम ले से ही, चाहे बड़े बड़े शादी हो, छठी हो, बड्डे हो, बड़े से बड़े कार्यक्रम है, पूजा पाठ हो, तो ये जिमीकंद के सब्जी विशेष रूप से बनाए जाते, तो एक कारण हमन कम पैसा से हमन ये काम ला शुरू कर रहे हैं। और देखते ही देखते हमन जिमीकंद बढ़ते हुए हम लगभग 30 से 35 लाख जिमीकंद के बीज लगाए। ये राजनांदगांव जिला तक सीमित नहीं है, अलग अलग जिला में भी हमार बहनी मन ये काम ला यहाँ के जिमीकंद जो जाते और बहनी मन है एले बेचते। हमने ये कार्यक्रम ला लगातार आगे बढ़ाए बर
जिमिकंद ला सम्मान स्वरूप जे बहनी मन जे क्लस्टर सेक्टर और ब्लॉक में सबसे ज्यादा पैसा कमाए जो जिमिकंद लगाई वो बहनी मन ला भी सम्मान करे हन पहला दूसरा तीसरा जो ब्लॉक में है जो जिला में है जो ग्राम संगठन ग्राम में है वो बहनी मन ला भी सम्मान करेगे जो कार्यकर्ता है जो लगातार जिमिकंद के फसल ला देखा थे लगातार उत्साहवर्धन करे थे वैसन भैया मन ला भी हमन हा सम्मान करे जो हमारे फील्ड कार्यकर्ता है तो ये जिमिकंद के फसल बहुत ही अच्छा हमार गरीब मन भर है जो कम से कम लागत में हम लगा सकथन और बहुत ही जल्दी एकर फसल आ जाते छह से सात महीना के फसल में हमार गजेंद्र जो जिमिकंद है वो आ जाते देसी ला भी लगा थन देसी के भी बहुत मांग है और गजेंद्र के भी बहुत मांग है हम लगातार बीज पर भी बहुत सारा हम अलग अलग जिला के भाई मल्ला बहनी मल्ला हमन आगे बढ़ा था हम चाहथन कि राजनांदगांव जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में जिमिकंद के फसल लगाया जाए सब्जी के उत्पादन बढ़े और ओकर से कई हजारों बीमारी से भी बचे जा सकते काबर की ये जिमिकंद बड़े से बड़े बीमारी है चाहे बवासीर जो हो है या बड़े से बड़े और बहुत सारे बीमारी 21 बीमारी के लड़े के क्षमता भी इनमें है एक दवाई भी बने जा सकते एक बड़ी भी बनाए जा सकते एक अचार भी बनाया जा सकते बहुत सारा चीज एला पाउडर बना के भी रखे जा सकते एला सुखा के भी बहुत दिन तक रखे जा सकते तो ये जिमिकंद 12 महीना मिले के जरूरत हवे और मिलते ही है राजनांदगांव जिला में हम कभी सोचे भी नहीं रहे कि जिमिकंद से हमार आय बढ़ी लेकिन सबसे ज्यादा हमन बहुत कम समय में हमार बहनी मल्ला तीन तीन चार चार करोड़ रुपया पैसा के आवक हो गए और एकर से हमार घर की स्थिति हमार परिवार की स्थिति हमार लोग लड़का की स्थिति बहुत अच्छा ढंग से सुधर गए और हम चाहथन कि हरेक किसान भाई मन हा ये जिमिकंद के फसल ला चाहे मेड़ में हो चाहे भर्री में हो वो लगाए और एक आमदनी अपन खुद पाए और एक से हमार आने वाला जो पीढ़ी है वो गरीबी से दूर हो। श्रोताओं कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं उन्हीं में से एक उपाय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस व्यक्ति में ये क्षमता अधिक होगी वह संक्रमण से उतना ही अधिक बचा रहेगा। इसके लिए आयुर्वेद में भी एक अचूक औषधि काढ़ा माना गया है जिसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले में चलाए जा रहे इसी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गणेश शंकर साहू। आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला आयुर्वेद विभाग बलौदाबाजार भाटापारा के द्वारा कोविड 19 के बचाव हेतु जन जागरूकता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक औषधि युक्त काढ़ा का निःशुल्क वितरण जिला बलौदाबाजार में शिविर आयोजित कर किया जा रहा है। इसका प्रारंभ शासकीय आयुर्वेद औषधालय आमा खोहा और परसाडी ब्लॉक बिलाईगढ़ से शिविर का प्रारंभ किया गया जहां करीबन 4000 लोगों को काढ़ा का पान कराया गया। आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक डॉक्टर आर के बंजारे के द्वारा गांव-गांव में शिविर लगाकर घर पर ही काढ़ा तैयार करने की विधि और इसके फायदे की जानकारी वहां के उपस्थित ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुशासन का पालन करते हुए उपस्थित होकर उसकी जानकारी दी गई और ग्रामीण जनों के द्वारा इसमें बड़े उत्सुकता के साथ इस शिविर में शामिल होकर इस काढ़ा की जानकारी को प्राप्त किए हैं और निःशुल्क काढ़ा का पान किए हैं। बलौदाबाजार कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर जिला अस्पताल में भी निःशुल्क काढ़ा पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। वहां डॉक्टर आर के बंजारे एवं आयुर्वेद अधिकारी एमएन कश्यप के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों को शिविर में जानकारी दी जा रही है कि जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा सेवन से शरीर में कोरोना जैसी घातक बीमारी से मुकाबला करने की ताकत पैदा होती है, इसलिए सभी गांव में सभी ब्लॉकों में इसके लिए जन जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर बंजारे ने घर पर ही काढ़ा बनाने की विधि बताई, वहाँ के लोगों को के बीच में स्वयं काढ़ा तैयार करके उस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोंठ मरी एवं पिपली का 100 ग्राम चूर्ण बनाने के लिए उक्त तीनों चीजों में से प्रत्येक की समान मात्रा सामग्री ले लें, इसे बारीक कूट पीस कर हवारोधी डिब्बे में रखें। काढ़ा बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चूर्ण लें तथा इसमें तुलसी के 5 पत्ते डालकर उबालें, स्वाद अनुसार गुड़
अथवा शक्कर मिलाया जा सकता है। जब आधा लीटर पानी बच जाए तो काढ़ा तैयार हो जाता है और इसे दिन में दो बार पीने का निर्देश दिया गया। इस चूर्ण को चाय बनाते समय तुलसी पत्र डालकर और चाय में उबालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिला के अधिकारी के द्वारा चिन्हित और जिले के प्रमुख प्रमुख गाँव में और आयुर्वेद औषधालय और गांव के मुख्य स्थानों में शिविर लगाया जा रहा है और इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है, जिससे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लोग अपना बचाव कर सकें। श्रोताओं, जहां एक तरफ इस लॉकडाउन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की मनरेगा योजना मील का पत्थर साबित हुई है, वहीं इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में वनोपज संग्रहण के अंतर्गत संचालित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं ग्रामीणों की आय का अच्छा स्रोत साबित हो रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के बलरामपुर जिले में तेंदुपत्ता खरीदी प्रक्रिया शुरू होने से ग्रामीणों को रोजगार का एक पुख्ता जरिया मिल गया है। वहीं घर बैठी महिलाएं और युवा जंगल जाकर तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में जुट गए हैं, जिससे इनको आमदनी भी हो रही है। इस बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की कुछ हितग्राहियों से। आप हैं प्रभा। आजकल लॉकडाउन चल रहा साहब, लोग सुबह सुबह पत्ते हैं, पत्ता तोड़ के लेके आते हैं, उसका गड्डी बनाते हैं, गड्डी बनाने के बाद उसको बेचने आते हैं। इसीलिए आजकल तो कुछ काम धाम हो नहीं रहा है, तो उसी से हम लोग का घर उर चलेगा, तो हम लोग सहायता करें। लीना ने बताया। सर, हम लोग जंगल जाते हैं 5 बजे भोर में, फिर जंगल से लाते हैं, गड्डी बनाते हैं 50-50 का और फड़ी में ले जाके बेचते हैं, फिर पैसा मिलता है, यही हम लोग का रोजी रोटी है। इस बारे में शिव भजन का कहना है। हम लोग वन विभाग की तरफ से तेंदुपत्ता चालू हो गया है, सब परिवार मतलब मिलकर के सभी जंगल पत्ता तोड़ने जाते हैं और वहाँ ला करके घर में अपना उसका गिनती करके बांधते हैं पत्ता को, उसके बाद पत्ती फड़ में लेकर के आए हैं और भी बेच रहे हैं यहाँ से। उसके बाद कुछ दिनों में पैसा भी जाएगा इसी से और काम भी नहीं चाहता, तेंदुपत्ता के माध्यम से रोजगार मिल गया है जी। इस विषय पर आकाशवाणी समाचार ने वाड्रफ नगर वन विभाग के SDO श्री श्याम सिंहदेव से बातचीत की। इस वर्ष तेंदुपत्ते का दर 400 रूपए प्रति सैकड़ा है, 4000 रूपए मानक बोरा है, तो एक अच्छा काफी अच्छा दर है और संग्राहक हितग्राही जो है काफी प्रसन्न है। जंगल से अच्छी क्वालिटी का तेंदु पत्ता तोड़ के ला रहे हैं और हमारा फल चालू है, जैसा आप देख रहे हैं ये लोग काम कर रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सभी लोग मास्क लगा के संग्रहण भी कर रहे हैं और जैसे पत्ता का बिछाई का काम कर रहा है उस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग। का भुगतान सीधे खाते में होगा, सभी संग्राहकों के बैंक अकाउंट में भुगतान होगा और ये एक प्रति सप्ताह भुगतान हो जाता है। श्रोताओं, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के साथ साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से इन श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर बनाकर वहां 14 दिनों के लिए रखा जा रहा है, जहां इन्हें भोजन पानी से लेकर स्वास्थ्य जांच संबंधी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स पर कुछ अभिनव प्रयोग भी किए जा रहे हैं। मसलन प्रदेश के दुर्ग जिले के धमधा स्थित क्वारंटाइन सेंटर्स पर इन 14 दिनों के दौरान भर्ती श्रमिकों को साक्षरता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दी हमारे दुर्ग संवाददाता अभय जवादे ने। निरक्षरता समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, निरक्षरता निराशा का दूसरा नाम है। वैश्विक महामारी के इस दौर में इस अभिशाप को समाप्त करने का प्रयास दुर्ग जिले के क्वारंटाइन सेंटरों में निरक्षरों को साक्षर करना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश से के आने वाले प्रवासी मजदूरों को गांव के स्कूल भवनों में बने क्वारंटाइन सेंटरों में 14 दिन तक रखा जा रहा है। यह अवधि निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पर्याप्त होती है। यह जिले के धमधा विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला राजपुर में प्रमाणित कर दिखाया है। श्रीमती हीराबाई जब क्वारंटाइन सेंटर में पहुंची थी तो वह निरक्षर थी, हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगाती थी और सदैव ही भयभीत रहती थी, परंतु 23 मई को क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के बाद बाहर आई तो वह साक्षर बन चुकी थी। अंगूठे की जगह वह हस्ताक्षर करने लगी थी। दिगर प्रदेशों में मजदूरी कर वह आत्मनिर्भर तो हो चुकी थी, परंतु साक्षर होकर उनका आत्मबल भी जागृत हो गया।
उनकी इस प्रेरणा ने प्रशासन को नई पहल शुरू करने का अवसर प्रदान किया। एसडीएम धमदा दिव्या वैष्णव ने बताया कि पूरे धमदा ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटरों में निरक्षर मजदूरों को खोजकर सभी को साक्षर बनाने का प्रयास शिक्षा विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसके लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी की टीम सामाजिक दूरी के साथ ज्ञान के मंदिर में बने क्वारंटाइन सेंटरों में साक्षरता अभियान शुरू कर दिया है। 40 वर्षीय हीराबाई के शब्दों में सुने तो मोर कभी माँ बाप पुरखा मन ई स्कूल नहीं देखे रहे, मोर दाई दता मन मोला पढ़ाए बर नहीं भेजीस है, और ए बीमारी के डर है मोला 14 दिन भर ई स्कूल में बंद कर दे रहे हैं। बहरहाल धमदा विकास खंड के ग्राम स्तरीय सभी क्वारंटाइन सेंटरों में निरक्षर व्यक्तियों का सर्वे कर सेंटर के व्यक्तियों द्वारा ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अक्षरों का ज्ञान तथा हस्ताक्षर सिखाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि निरक्षरों को साक्षर किया जा सके। श्रोताओं, आज की इस कड़ी से विदा लेने से पहले आइए हम आप ये भी जान लें कि हमारे प्रदेश के नामचीन कलाकार दुष्यंत थर्मुख हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। पवन चले साथी मोर जैसे नदिया बहे, तैसे तोर मोर संग रंगे माया के रंग, चल ही दुनिया चले न चले, या चले न चले, लेकिन कब तक? जब तक ये कोरोना रूपी वैश्विक महामारी ले बाँच नहीं जाबो, तो एकर बाँचे बर का करे लागी संगवारी। सरकार के जम्मो दिशा निर्देश के हिसाब से लॉकडाउन के गंभीरता पूर्वक पालन करना है, अपन अपन घर में सुरक्षित रहना है, एक दूसर ले दूरी बना के रखना है, चेहरा में मास्क लगा के रखना है, हाथ ला घेरी बेरी साबुन से धोना है, और समय समय में हैंड सैनिटाइजर के उपयोग करना है। अब एक खास बात ये कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो ही, तब तक घर के भीतर रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है, तभी तो हम भविष्य में फिर से गा सकबो कि संगी मोर जैसे पवन चले साथी मोर जैसे नदिया बहे, तैसे तोर मोर संग रंगे माया के रंग, चल ही दुनिया चले न चले। तो श्रोताओं, अब आपसे अनुमति लेने का समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दें कि हम कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें चुनौतियां और बढ़ गई हैं। बेहतर तो यही होगा कि हम 31 मई तक जारी लॉकडाउन का पूरे दिशा निर्देशों के साथ पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। साथ ही श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी रेडियो के अलावा आप मोबाइल से भी जोड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुक्रवार 29 मई को सुबह 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।